हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण राजपूत और आज का हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ इनटू डबल प्रीपोजिशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरल यूजेस इन थ्री स्टेप्स। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को अब समझते हैं आगे। स्टेप 1 में मीनिंग इन हिंदी समझेंगे, स्टेप 2 में कंडीशन जिसमें तीन कंडीशन पढ़ेंगे हम और एग्जांपल और पिक्चर की सहायता से समझेंगे। स्टेप 3 में रिमेंबर दीज पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, मीनिंग इन हिंदी। इनटू का मतलब यहाँ पे होता है गति में, बदलने के लिए, भीतर, अंदर, के अंदर, बीच में। तो ये सारे मतलब जो है हिंदी में इसके होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसको डबल प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जो इनटू है, इन और टू, हालांकि ये एक सिंपल प्रीपोजिशन है, परंतु उनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये डबल प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम डबल प्रीपोजिशन है। तो चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2, कंडीशन 1, 2, 3, एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर। तो हम पहली कंडीशन समझते हैं इनटू की, टू शो मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर गति दिखाने के लिए। एग्जाम्पल बेचारे हम देखते हैं, जरा इसको समझते हैं। ठीक, माइस रैन इनटू द होल, चूहे छेद में भाग गए। हालांकि यहां पे एक चूहा दिख रहा है आपको, तो ये जो चूहा है ये बेसिकली घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब वो एक होल में जा रहा है, करेक्ट। सेकेंड में देखते हैं, ही फॉल इन टू द मड, वह कीचड़ में गिर गया। तो कहां गिर रहा है, कीचड़ में गिर रहा है, तो इसलिए इसमें इनटू का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फोटो में दिखा रखा है। नेक्स्ट, द फ्रॉग जंप्ड इन टू द पॉन्ड, मेढक तालाब में कूद गया। तो जो मेढक है वो तालाब में कूद गया, तो इसलिए इसमें इनटू का गति के साथ जा रहा है, तो इसलिए इसमें इनटू का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कई वस्तुओं में मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, करेक्ट। आपको ये चीज मतलब ये नहीं कि रूम से बाहर जा रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है, मतलब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आ रही है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो रूम हो, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे, अगली कंडीशन हम इसको समझते हैं। तो चलिए सेकंड कंडीशन की ओर देखते हैं। टू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, परिवर्तन के लिए, एक दूसरे में स्थानांतरण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो एग्जांपल 4 हम देखते हैं, आमिर खान रीशेप हिज बॉडी फैट इनटू फिट, आमिर खान अपने शरीर की चर्बी को फिट में बदल दिया। फैट इनटू फिट, तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो कभी कोई चीज अगर परिवर्तन हो रही है, कोई चेंज हो रहा है किसी चीज फैक्टर को लेके, तो उसमें भी इनटू का प्रयोग होता है। ठीक, तो चलिए अब हम थर्ड पे कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन, टू ट्रांसलेट कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर लैंग्वेज फॉर्म, अनुवाद करना, एक से दूसरी भाषा या रूप में परिवर्तित करें। एग्जाम्पल देखेंगे अब इसमें हम, ही कैन ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश इन टू हिंदी, वह अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकता है। जैसे कि उदाहरण पे एक वाक्य दे रखा है पे नीचे, आप देख सकते हैं, ही इज गोइंग, और हिंदी में इसका जो अनुवाद है, वह जा रहा है। ऐसे इस तरह से भी जो परिवर्तन होते, तो उनमें भी अधिकतर कोई चीज आप बदल रहे हैं, वाक्यों को बदल रहे हैं, या किसी लैंग्वेज में बदल रहे हैं, या किसी फॉर्म में बदल रहे हैं, टफ से सरल फॉर्म में बदल रहे हैं, तो ऐसे में भी इनटू का प्रयोग होता है। आई होप कि ये तीनों कंडीशन आपको समझ होगी। अब हम इसके अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी तीन कंडीशन समझाई ये लगभग वही है। तो पहली कंडीशन हम समझ लेते हैं। चलिए, टू शो मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कोई भी चीज अगर देखिए कोई बाहर से अंदर की ओर आ रही, तो ऐसे में इनटू का प्रयोग होगा, करेक्ट। फिर है सेकंड कंडीशन, टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि कहीं कहीं परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो ऐसे में भी इनटू का प्रयोग हो जाता है।
या थर्ड कंडीशन देख सकते हैं, टू ट्रांसलेट कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर लैंग्वेज या फॉर्म, कोई बदलाव है, कोई चेंज है, किसी का अनुवाद है, तो ऐसे में भी आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इनटू का प्रयोग होता है। तो आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी है, ठीक। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे दीजिए ज्यादा धन्यवाद।